हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी म्यूजिक में कॉपीराइट नहीं आएगा जब आप यूट्यूब वीडियो में अपलोड करेंगे और म्यूजिक आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि कोई भी आप एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उस पर म्यूजिक डालते हैं तो अगर वो कॉपीराइट आ जाता है, जैसे कोई भी सॉन्ग पे कॉपीराइट आता है तो आप किसी जगह से भी अगर आप म्यूजिक ले लेते हैं और उस पर कॉपीराइट आ जाता है तो उस बैकग्राउंड के कॉपीराइट को वीडियो को मतलब म्यूजिक को कैसे हटा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूजिक जो आपका आता है, जैसे कि मान लो कि कोई एक म्यूजिक चल रहा और म्यूजिक के अंदर एक सॉन्ग आ गया और सॉन्ग जो आने के बाद दोस्तों उसमें आपका कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। 99% चांसेस होता है कॉपीराइट क्लेम आने का। या यूट्यूब से आप डाउनलोड करते हो, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से आप उस म्यूजिक को या उस थीम का जो आवाज जो होता है उस आवाज को आप कॉपीराइट करते हैं और उसका कॉपीराइट म्यूजिक जो आप डाउनलोड करते हैं तो उसका एक कॉपीराइट हो जाता है। तो उसको हटाते कैसे हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। जब भी आप वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कॉपीराइट आने का चांसेस ज्यादा रहता है। जैसे कि आप कोई भी म्यूजिक को आप डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड करने के बाद उसको सॉन्ग को अटैच करके आप जब वीडियो को अपलोड कर देते हो तो उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है, उससे आपका वीडियो में कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो इसको हटाना कैसे है दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसको सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर में जा करके वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, देखिए मोसिस करके है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सेटअप कैसे करना है आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो यहाँ पे रही, आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर इसको सेटअप करना होगा, गेट स्टार्टेड में जाना होगा। गेट स्टार्टेड में जाने के बाद आपको क्या करना, कोई भी ईमेल आईडी हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो, किसी भी अकाउंट इसको लॉग इन कर लेना हो सबसे पहले। तो हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। पहले इसको लॉग इन में जाते हैं और अपना ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये लॉगिन हो चुका है और इसको कर देना है अलाउ। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस टाइप का आपका पॉपअप खुल जाएगा, इमेज खुल जाएगा। तो इमेज खुलने के बाद यहां पर ही आपको देखिएगा प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन है, सॉन्ग का भी ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी वीडियो का बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको नीचे एक प्लस आइकॉन का साइन दिख रहा होगा, आप यहां नीचे देख सकते हैं प्लस आइकॉन का साइन है। तो यहां पर ही साइन में आपको प्लस जाना होगा। प्लस जाने के बाद आपका जहां पर ही वीडियो आया है जिसमें आपका म्यूजिक पे कॉपीराइट दे रहा है तो उस म्यूजिक को आप हटा सकते हैं। तो गैलरी में चले जाना होगा। गैलरी में जाने के बाद गैलरी को अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद वो जो वीडियो है आप उसको सेलेक्ट कर ले अपने गैलरी से। तो हम इसको वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। कहां गया वीडियो, एक सेकंड, इसको बैक करके एक बार फिर से गैलरी खोलते हैं। और गैलरी खोलने के बाद हम इसमें वीडियो में जाते हैं। तो हमारा एक वीडियो है आप ऊपर में देख सकते हैं, ये यू करके। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर इसमें चार ट्रैक दिया हुआ है, मतलब चार लेवल है इसमें ट्रैकिंग का। ये मतलब चार लेवल है, मतलब जो इस वीडियो के म्यूजिक में जो डाला गया है वो चार लेवल डाला गया है। कौन कौन सा लेवल है वो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। वोकल इंस्ट्रूमेंट दो है, आप नीचे देखिए, मतलब आपका जितना भी उस ऑडियो में अगर लेयर रहता है, लेयर जैसे आपको भी आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो देखते होंगे, बात कर रहा हूँ तो उसमें म्यूजिक डाल देते हैं, उसमें कभी टूंग टांग टांग इस टाइप का आवाज आता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की। तो ये सब लेयर है। तो इस लेयर को हटाना कैसे है, इसको क्लोज करना है, वोकल ड्रम में जाना होगा, सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद ये अपलोडिंग फाइल ऑटोमेटिक लेने लगेगा, उसके बाद ही आपको पता चलने वाला है कौन कौन सा म्यूजिक को हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस गॉट इट करना है और गॉट इट करने के बाद नीचे यहाँ पर ही आपको प्रोसेस का बटन यहाँ पर ही शो कर रहा है। तो थोड़ा देर ही आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा, जो कि अगर वेट आप कर लेते हैं तो आपका जो कॉपीराइट का क्लेम है वो हट जाएगा, कंप्लीट हट जाएगा। तो हमारा यहाँ अपलोड हो चुका है, अब हम इसको करते हैं ओपन। अब आपको गौर से सुनना होगा दोस्तों, बहुत गौर सुनना होगा, देखिएगा। सॉरी जी, सॉरी। तो म्यूजिक में आपको क्या दिखा, बीबी नंबर वन ताड़ा बीबी नंबर, इस टाइप का म्यूजिक आपको आ रहा है। तो
तो ये कॉपीराइट का क्लेम आता है। देखिए तो इसमें म्यूजिक आया दोस्तों, तो इसका बैकग्राउंड को म्यूजिक को अब हमको हटाना है और वॉइस का वोकल को डालना है। तो चलिए अब हम इसको एक बार सेटिंग्स करते हैं। देखिए मैंने नीचे वाले जो म्यूजिक का बटन है उसको मैंने इसको जीरो लेवल पे कर दिया, और जीरो लेवल पे करने के बाद वो बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो हट गया है। आप पूरा सॉन्ग जब पूरा ऑडियो को आप सुनिए एक बार, पहले मैं बढ़ा देता हूँ ऑडियो को, उसके बाद अभी आप सुनाएंगे आपको। आपने यहाँ देखा, अब इसको हम बैक करते हैं, अब फिर इसको आपको सुनाते हैं। छी, काजल, क्या हुआ जी? ये सब क्या है? कल से तुम्हारे इस कंघे में एक बाल नहीं दिखना चाहिए। जी जी। तो दोस्तों आपने देखा कि बैकग्राउंड को कैसे हटा सकते हैं, और भी इसमें सेटिंग है। अगर ये लास्ट प्रोसेस में अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास तीन ऑप्शंस और मिलते हैं, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें एडजस्ट करने के बाद आपका कोई भी जब आप वीडियो यूट्यूब में अगर आप डालते हैं तो उसमें आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, ये मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खुद से इसको अप्लाई किया है और वीडियो को म्यूजिक को डाउनलोड करके उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसके साथ डाउनलोड करके मैंने यूट्यूब वीडियो में अपलोड किया और उसमें कॉपीराइट का क्लेम आ गया था। तो फाइनली मुझे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ा, और डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, जो सॉन्ग का म्यूजिक है, उसको मैंने रिमूव कर दिया इस एप्लीकेशन के माध्यम से। मतलब इसी एप्लीकेशन के माध्यम से जो आप यहां देख सकते हैं, इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने उसको हटा दिया। तो एक बार और आपको सुनाते हैं। देखिए अब ये ड्रम का आवाज को मैंने भी रोक दिया, मतलब चार लेयर इसमें काम कर रहा है। देखिए अभी वॉल्यूम मैंने बढ़ाया तो बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो चलने लगा। देखिए गौर से सुनिए। देखा आपने, तो इसको आपको बीच लेवल पे कर देना, 50-50 पे कर देना, या उसे स्लो भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आपका सिर्फ वॉइस आए और वो कॉपीराइट वाला म्यूजिक नहीं है। तो इसको आपको ड्रम को भी आपको 50 कर देना है और इंस्ट्रूमेंट को भी, दोनों को 50 कर देना है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको जीरो कर देना, वही मेन है बैकग्राउंड का म्यूजिक को आपका कॉपीराइट पे क्लेम आ रहा है। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में तो उसका बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वही कॉपीराइट आ रहा है, बस उसको डायरेक्टली आप म्यूजिक पे जाएं, सेट करें और इस म्यूजिक को हटा दें बस। तो बस फाइनली दोस्तों यही एक म्यूजिक को हटाने के लिए, अब बस इसको वीडियो को कैसे सेव करना है तो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है। तो आपको यहां पर जाना होगा तीन डॉट में, तीन लाइन में, यहां पर ही तीन लाइन में, राइट साइड में आपको ऊपर में दिख रहा होगा तीन लाइन, तो तीन लाइन में जा करके आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप डायरेक्टली जा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ट्रैक भी आपको यहाँ पर ही शो कर जाएगा, चार ट्रैक है, उसके बाद और भी इसमें मल्टीपल इसमें ऑप्शंस मिल जाता है, आप सॉन्ग को वहां से काट सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारा फंक्शन आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। तो स्पेशली हमारा जो टॉपिक था कि आपका जो वीडियो अपलोड होता है वो कॉपीराइट ना आए, इसके लिए दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए, हेल्पफुल के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए नीचे, और सब्सक्राइब भी बटन नीचे है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे, और जल्दी से भाई को सपोर्ट करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।